चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। आज के एनालिसिस में एक बहुत अमेजिंग चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो शायद कोई बता ना पाए, और साथ ही साथ एक ऐसा स्टॉक्स जो हम देखेंगे हमें 15% का अपसाइड दे सकता है, राइट। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट से यहाँ पे देख सकते हैं। पहले एक आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मार्केट रेंज में है, यहाँ पर अटक रहा है, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बट यहाँ पे देखो एक अलग सीनरी, ये वाला पॉइंट देख रहे हो 3 जनवरी से, यहाँ से एक ये आ रही है हमारी एक ट्रेंड लाइन। यस बिल्कुल, मार्केट एक हमारा चल रहा है बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे, राइट। ये आप लोगों को शायद ही किसी ने बताया होगा कि, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, और यहाँ पर ये बन गया है हमारा रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस क्यों बन गया, राइट। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर गैप डाउन होता है और गैप डाउन के बाद ये जो ऊपर वाला, मतलब जहाँ से गैप डाउन होता है वो हमारा बन जाता है रेजिस्टेंस, राइट। पसंद आई होगी, अगर नहीं पता है पहली बार देख रहे हो तो लाइक करो वीडियो को, जल्दी जल्दी लाइक करो, राइट। कम से कम 30 लाइक आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, ये क्या हुआ एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस लिया और ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। देखा, कुछ नया देखने मिला, नया सीखने मिला। तो राइट, अब यहाँ पर कल की स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी, क्योंकि हमें देखो हमें एक क्लियर कट पैटर्न मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ये चीज़ है कि सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर पता पड़ गया कि 17900 हमारे यहाँ पर एक एज अ रेजिस्टेंस होने वाला है, और उसके बाद ये जो प्रीवियस हाई जो था ये भी एक हमारा ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और 18000 जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर काम करेगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, बट उसी के साथ साथ हमारे पास 3 सपोर्ट भी हैं। मैं ठीक है, 3 सपोर्ट किया, एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है, पहला सपोर्ट ये रहा हमारा, दूसरा सपोर्ट हमारा ये रहा, ठीक है, क्योंकि नीचे से गया ना मार्केट उठता आ रहा है, और ये हमारा चौथा सपोर्ट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे नीचे को काफ़ी सारे सपोर्ट है, ऊपर को रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी 50 में, मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियर कट देखने क्या मिल रहा है, हमें ज़्यादा रेंज नहीं मिलने वाली है, बट फिर भी स्ट्रेटेजी क्या है कि कल अगर गैप अप खुलता है, राइट, अगर गैप अप खुलता है, जैसे 17818 पे मार्केट क्लोज हुआ है, अगर गैप अप खुलता है सपोज करो यहाँ पर, राइट, तो पहले 15 से 30 मिनट हमें क्या करना है कि हमें इंतज़ार करना है। अगर जिसे इंतज़ार करते ही अगर 17900 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम 18000 का प्लान करेंगे, मतलब हम 18000 का कॉल ले सकते हैं, या 17900 का ही हमें ये वाला, राइट, जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं, आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे होंगे, हमें इसी का ही हमें कॉल लेना है, 17900 का कॉल लेना है। जैसे ही अगर सस्टेन नहीं कर पाता तुरंत एग्जिट, लेकिन अगर सस्टेन कर गया तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 पॉइंट का मूव मिलेगा अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मान लो गैप डाउन खुलता है, राइट, मार्केट सपोज करो 17000, ये 750 की लाइन है, राइट, 17850 750, अगर मान लो यहाँ कहीं पे भी मिलता, अगर बाय चांस ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ये हमारा 17800 हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने की, अगर रेजिस्टेंस कभी भी या ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। पसंद आया, लाइक ठोको लाइक, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट लेंगे। पुट कहाँ तक का प्लान करेंगे हम, 17750, राइट, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, मैं आप लोगों के लिए ये मार्क करके बता देता हूँ एग्जैक्टली इसके ऊपर, ठीक है, 17650 17700। तो हम लोग क्या है ना, इसको पुट प्लान करेंगे। तो अब हमें कौन सा लेना है, हमें पुट लेनी है 17800। 17800 क्यों लेनी है, पीछे का लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो हमारा रेजिस्टेंस आएगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर जैसे ही मार्केट आएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको एग्जिट कर देंगे, और ट्रेंड लाइन के नीचे बना रहेगा तो हम लोग पुट को मेंटेन रखेंगे, अपने पास रखेंगे। वॉट इफ अगर फ्लैट खुलता है, अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, राइट, इसी लेवल पे खुलता है, ठीक है, इसी लेवल पे खुलता है, तो हमें देखना है कि पहले 15-20 मिनट में मार्केट कैसा मूव कर रहा है। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो आप निफ्टी 50 को अवॉइड कर सकते हो, उसके लिए हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे, राइट। तो ये चीज़ पसंद आई होगी तो नोट कर लेना लेवल्स, राइट। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, राइट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है, राइट, लेकिन मतलब मार्केट गिरने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। मार्केट गिरने के लिए तैयार क्यों नहीं है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा कैंडल, मतलब पूरा ही वीक जो था वो पिछला पूरा ही ग्रीन में बंद हुआ, तो ग्रीन में बंद हुआ, बट यहाँ पर गया लास्ट में, हमें यहाँ पे गया एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल देखने के लिए। डोजी कैंडल का ये हाई कितना है, 38000 का, ठीक है, 38000 का यहाँ पर है, और ये हमारा ये इसका है 37400 का, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, जो भी खुलता है, ठीक है, जैसा भी होगा कि अब हम उसके हिसाब से यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, ठीक है, राइट। यहाँ पे हमें क्लियर कट देखने मिला कि 38000 इतनी ईजी से क्रॉस नहीं हो रहा, तो हमारा क्या हो गया 38000। यहाँ पर ये क्लोजिंग कहाँ पर हुई, जहाँ पे प्रीवियस के प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई थी, तो हमारे पास एक ये रेंज हो गई है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी सी बात क्या है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। यहाँ पर भी कुछ नया देखने मिला, देख रहे हो,
यहाँ पर भी क्या है हमें अप ट्रेंड देखने मिला, ठीक है। लेकिन एज यूजुअल नीचे को हमारे पास बहुत सारे सपोर्ट है, जैसे देख रहे हो 37,500 का सपोर्ट हो गया, 37,200 का सपोर्ट हो गया, 37,000 का सपोर्ट हो गया, ठीक है। हमारे ये सारे क्या है सपोर्ट है ये वाला रेंज में। अब क्या है अगर मार्केट गैप अप खुलता है, राइट, गैप अप खुलता है मतलब यहाँ से इधर, मतलब 38,000 के ऊपर खुलता है, राइट, नोट कर लेना, 38,000 के ऊपर खुलता है तो हम क्या करेंगे 38,000 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, याद रखना सस्टेन करना चाहिए। अगर पहले 15-20 मिनट या आधा घंटा अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हम 34,300-34,400 की कॉल ले लेंगे, वो भी 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, राइट, क्योंकि सस्टेन कर गया, सस्टेन करने के बाद मार्केट 38,500 स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल सकता है या तो जूम भी कर सकता है, राइट। ये है जब गैप अप खुलता है। वॉट इफ गैप डाउन खुला, लेट सपोज कि मार्केट 38,775 पे है और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं पे भी खोलता है, तो हम क्या करेंगे पुट ले लेंगे, कौन सा 37,700 की ही पुट ले लेंगे और हम लोग टारगेट करेंगे कहां तक के सीधा 37,200, मतलब हमारे पास 400 से 500 पॉइंट, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 400 से 500 पॉइंट हमें कहां मिलेंगे पुट साइड में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 6 दिन की रैली आ चुकी है। अगर जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा पुराना वाला वो जाके देखिए, मैं आपको यही सारी चीजें बताता हूं, ठीक है। गैप डाउन खोला क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस के प्रीवियस डे के लो को टारगेट करेंगे। लो को देखो, पहला पहला हमारा टारगेट रहेगा ये वाला 37,500, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर वो सीधा ये वाले लेवल पे आएगा। थोड़ा सा ये थोड़ा क्लोजी हो रहा है बट समझने की कोशिश करो, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नया ही है, ठीक है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो हमें नीचे का करना है, और नीचे आ जाता है तो फिर नीचे से ही हमें ऊपर के टारगेट लेने हैं। मतलब नीचे गैप डाउन खुलता है तो ज़्यादा पुट नहीं लेना, कितना नीचे खुलेगा वो चेक करना है। और अगर फ्लैट खुलता है, राइट, फ्लैट खुलता है तो अगर पहले 15 मिनट सस्टेन कर गया तो ये ट्रेंड लाइन को ही नज़र पर रखना और 38,000 का हम लोग टारगेट करेंगे, एंड हमारा फिर ये जो पूरा दिन है ऐसे वॉलेटाइल जा सकता है, राइट। ये चीज़ पसंद आई होगी लाइक करो, लाइक 30 लाइक तो करो यार कम से कम, ठीक है, राइट। उसके बाद आया है विश्वराज शुगर, ठीक है, विश्वराज शुगर शुगर स्टॉक। और चैनल पे पहली बार आए हो तो यार अभी तक लाइक नहीं किया, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को 4 ब्रेकआउट स्टॉक्स बताए हैं, उसको जाके देखना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, राइट। ये सारी मेहनत किसके लिए है? ये सारी मेहनत आपके लिए है, राइट। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये 4 ब्रेकआउट स्टॉक देखना मत भूलना, ठीक है। विश्वराज शुगर, विश्वराज शुगर में क्या है कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे एक तो सपोर्ट था और यहाँ पर देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग है, मतलब ये गिरा तो था लेकिन ये इतना सारा जो गिरा था वो सारा बाय हो गया। बाय हो गया मतलब क्या, स्ट्रेंथ है। अगर बाय हो जाता है तो कभी भी स्ट्रेंथ बोली जाती है उसको, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसने क्या है अपने सपोर्ट को मेंटेन कर लिया है, तो हमारा इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 27 से 30। 30 क्रॉस करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 32। और शुगर स्टॉक्स पे क्यों फोकस करेगी गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है। 5 रीजंस बाय शुगर स्टॉक्स बिफोर, सिर्फ 30 सेकंड में आपको पता पड़ जाएगा कि आपको क्यों बाय करना चाहिए, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये वाला एनालिसिस पसंद आया होगा, कुछ नया ही सीखने मिला होगा। नया सीखने मिला होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, राइट। तो चलिए इसी के साथ था आज का ये एनालिसिस, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आइए और मेरे साथ डाउट क्लियर करिए 1-on-1। तो चलिए, थैंक यू आज के लिए।